सबका जिन्होंने भी इस गाने का पिछला भाग अभी तक नहीं देखा और अगर गाने पसंद आ रहा है तो देख लो। तो फिर गाने को आगे बढ़ाते हैं। मू बिल्कुल सही वक्त पर आकर डोडो को उन दो राक्षसों के हाथों से बचा लेता है और उन दो राक्षसों को मू डांट कर डरा कर धमका कर उधर से भगा देता है। तब मू देखता है कि डोडो के अंदर की जादुई राक्षसी मनी जागने के कारण डोडो को दर्द हो रहा था। उसके बाद मू अपने जादू से चेक करने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि डोडो के अंदर की राक्षसी मणि डोडो के दिल के साथ जुड़ चुका है। तो अगर मू उस राक्षसी मणि को डोडो के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो डोडो का जान जा सकता है। उसी वक्त लियू देखता है कि मू ने डोडो को उन दो राक्षसों के हाथों से बचा लिया है। तब लियू मू के सामने आ जाता है। ये देखकर मू पूछता है कि लियू अगर तुम यहाँ थे तो तुम डोडो को बचाने क्यों नहीं आए। लियू बताता है कि लियू डोडो को बचाने इसलिए नहीं आया क्योंकि लियू डोडो को बचाना ही नहीं चाहता था। डोडो के अंदर की जादुई राक्षसी मणि को मू मतलब अपने मास्टर के लिए लेने के लिए। ये सुनकर मू को बहुत ही गुस्सा आता है और मू लियू को डांटते हुए कहता है कि लियू तुम सच में हद करते हो, अगर अभी डोडो को कुछ हो जाता तो मैं जूनियर चैन को क्या जवाब देता। तब मू देखता है कि डोडो के अंदर की राक्षसी मणि से बहुत सारा एनर्जी निकल रहा था जिससे डोडो को और दर्द हो रहा था। तब मू सोचता है कि मू अपनी शक्तियों से डोडो के अंदर की जादुई राक्षसी मणि को सील कर दे। तब मू को याद आता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो डोडो के अंदर जो राक्षसी मणि का टुकड़ा है वो मू का है, तो हो सकता है कि वो राक्षसी मणि मू की सारी शक्तियों को डोडो के अंदर खींच ले। ऐसा होगा तो डोडो अचानक इतनी सारी शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा जो डोडो के लिए खतरा हो सकता है। उसी वक्त टैन और बाय जीन डोडो को ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और टैन डोडो को मू के साथ देखकर वो मू को गालियां देने लगता है कि तुम मेरे बेटे के साथ खड़ क्या रहे हो, छोड़ो मेरे बेटे को। तब टैन देखता है कि डोडो के अंदर की राक्षसी मणि जाग गया है और डोडो को बहुत ही दर्द हो रहा था। टैन दौड़ कर डोडो के पास जाने लगता है। तब डोडो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और डोडो जब भी ऐसा करता है उसके अंदर के राक्षसी मणि की शक्तियाँ बेकाबू होकर इधर उधर जाकर टकराने लगता है जिससे धमाका होता है और ऐसे ही डोडो के अंदर की राक्षसी मणि की शक्तियाँ निकलकर टैन के ओर आ रहा था। तब बाजिन आकर टैन के आसपास एक शील्ड तैयार करके टैन को बचा लेता है। तब हम मुंह को देखते हैं, वो डोडो को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था पर उसे हो नहीं पा रहा था और टैन और बाजिन बहुत ही परेशान हो रहे थे। उसी वक्त टैन का मास्टर होंग आते हैं और वो आकर अपनी शक्तियों से डोडो को मुंह से अपने पास ले लेते हैं और अपने मास्टर को देखकर टैन के जान में जान आता है। मास्टर होंग कहते हैं कि टैन आकर मेरा मदद करो डोडो के अंदर की जादुई राक्षसी मणि को दोबारा सील करने में। तब मास्टर होंग मुंह की ओर देखते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा अभी बेहोश होने वाला है, कोई जल्दी आकर इस बंदे को पकड़ो। उसी वक्त जूनियर चैन उधर आता है और आकर मुंह को पकड़ता है और जूनियर चैन मुंह को इतना कमजोर देखकर पूछने लगता है कि सबको पता है कि मुंह बहुत ही शक्तिशाली है, तो मुंह को क्या हुआ है जिससे वो इतना कमजोर हो गया है। मुंह जूनियर चैन से कुछ कहे उससे पहले ही मुंह जूनियर चैन के भाव में बेहोश हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम टैन के घर को देखते हैं जहाँ सारे लोग मौजूद हैं और लियू टैन से कह रहा था कि टैन तुमने अपना आइस माउंटेन लोटस देकर मेरे मास्टर मू को ठीक होने में मदद किया, इसीलिए पास्ट में हमारे बीच जो भी दुश्मनी था उसे मिट्टी पाओ और भूल जाओ। टैन कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, मू को अपनी आधी शक्तियों को और खुद को ठीक करने के लिए उसे आइस माउंटेन लोटस का जरूरत था, इसीलिए उसने मुझसे आइस माउंटेन लोटस की मांग की। यू कहता है कि हाँ मेरे मास्टर की आधी राक्षसी मणि डोडो के पास होने से मेरे मास्टर बहुत ही कमजोर हो चुके थे और उनकी शक्तियों को ठीक करने के लिए आइस माउंटेन लोटस का जरूरत था। टैन तब अपना सर पकड़ के कहने लगता है कि अगर मैं आइस माउंटेन लोटस एल्डर्स को दे देता तो मैं अब तक डिमोन किंग बन जाता, पर कोई बात नहीं, डिमोन किंग इलेक्शन का सेकेंड राउंड कोई भी नहीं जीत पाया, इसीलिए एल्डर्स ने डिमोन किंग इलेक्शन का एक और आखिरी राउंड रखा है जिसमें हमें पाताल लोक के द्वार से होकर पाताल लोक जाकर उसके सील को तोड़ना होगा और ऐसा करते ही मैं डिमोन किंग बन जाऊंगा। यू कहता है कि तुम मेरे मास्टर मुंह को कम मत समझो, वो भी डिमोन किंग बन सकते हैं।
उसी वक्त मास्टर होंग मुंह के कमरे से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मास्टर होंग ही मुंह को आइस माउंटेन लोटस के जरिए ठीक कर रहे थे। तब जूनियर चैन दौड़कर जाकर पूछने लगता है कि मास्टर मुंह अब कैसा है। मास्टर होंग कहते हैं कि मुंह अभी ठीक है पर बेहोश है, कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। जूनियर चैन तब दौड़कर मुंह के पास चला जाता है। उसके बाद मास्टर होंग तैन से पूछते हैं कि तैन ये तुम क्या पता लोग के सील के बारे में बात कर रहे थे। तैन तब मास्टर होंग को बताने लगता है, जैसा कि आपको पता है कि डिमोन किंग इलेक्शन का सेकंड राउंड कोई भी जीत नहीं पाया, इसीलिए एल्डर्स ने डिमोन किंग इलेक्शन का एक और आखिरी राउंड रखा है, जहां हमें पता लोग जाकर पता लोग की सील को तोड़ना होगा। ये सुनकर मास्टर होंग परेशान होने लगते हैं और वो तैन से पूछते हैं कि क्या तैन को पता है कि पता लोग का सील कहाँ है। तब तैन कहता है कि हाँ, एल्डर्स ने बताया है कि पता लोग में सील कौन से प्लेस में है और नाम है स्पिरिट लाइन लाइन। तब मास्टर होंग परेशान होकर सोचने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एल्डर्स ने उन लोगों को स्पिरिट लाइन लाइन के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। फिर मास्टर होंग बताते हैं कि अगर कोई राक्षस पता लोग की स्पिरिट लाइन लाइन में जाकर कल्टीवेशन करेगा तो उसका शक्तियाँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा और वो असीम राक्षस शक्तियों का मालिक बन जाएगा। और सिर्फ कुछ ही राक्षस पता लोग की लाइन लाइन में कल्टीवेशन करने में कामयाब हो पाए थे और बहुत साल पहले कल्टीवेशन कमिटी ने पता लोग की स्पिरिट लाइन लाइन को सील कर दिया था, क्योंकि स्पिरिट लाइन लाइन के अंदर बहुत मात्रा में राक्षसी ओरा और जानवरों जैसा दानव मौजूद है। और स्नो चीते की तरह बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट उस प्लेस को गार्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें राक्षसी ओरा पसंद है। खैर, उसके बाद से हम राक्षस कल्टीवेटर की शक्तियों को लिमिटेड कर दिया गया है न्याय के कल्टीवेटर के मुकाबले, इसलिए हमेशा राक्षस और न्याय के कल्टीवेटर के बीच लड़ाई लगा रहता है कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद राक्षसों के एल्डर्स ने डिमोन की इलेक्शन को करवाना शुरू किया, जिससे वो लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस को चूज करे ऐसे लड़ाई को लीड करने के लिए। खैर, अगर स्पिरिट लाइन लाइन का सील टूट जाए तब उसके अंदर से बहुत मात्रा में राक्षसी शक्तियाँ बाहर निकलेगा, जिससे हमारी राक्षसी दुनिया की राक्षसों को अचानक बहुत ज्यादा शक्तियाँ मिल जाएगा। पर सील को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि सील को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ता है, इसीलिए इस सील को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। तब बाजी तैन को बताता है कि तैन इस सील को तोड़ पाना मुमकिन हो सकता है, पर इसके लिए चाहिए होगा जादुई राक्षसी मनी। ये सुनते ही तैन बाजी से कहता है कि बर्फीला पानी में जो डोडो के ऊपर राक्षसी जंगली भेड़िया से हमला हुआ था ये मुने नहीं करवाया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एल्डर्स को पता चल गया है कि डोडो के अंदर राक्षसी जादुई मनी है और इसके लिए एल्डर्स ने ही डोडो के ऊपर हमला करवाया हो। तब मास्टर होंग बताते हैं कि मैंने भी ये बात सोचा था और पता लगाने के लिए मैं एल्डर्स हॉल गया था और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उन लोगों को राक्षसी जादुई मनी के बारे में कुछ पता है ही नहीं। फिर मास्टर होंग मनी मन सोचने लगते हैं कि उन्हें पता चला है कि एल्डर्स हॉल में एक नया थाट एल्डर्स आए हैं और उन्होंने ही बाकी एल्डर्स को पता लोग की स्पिरिट लाइन लाइन की सील को तोड़ने का सुझाव दिया है। हम तैन को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पता लोग की स्पिरिट लाइन लाइन की सील को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और मैं डिमोन किंग बनकर रहूंगा। बाजीन तब तैन की जोश देखकर उसे घूरने लगता है। खैर, तब हम स्नोचीते को देखते हैं जो डोडो के हाथ से कैंडी छीनने की कोशिश कर रहा था, डोडो उसे कैंडी दे नहीं रहा था। बाजीन तब गुस्से से स्नोचीते को देखने लगता है, क्योंकि स्नोचीता उसके बेटे को परेशान जो कर रहा था। स्नोचीता तब डरकर शांत हो जाता है और डोडो अपने दादा से पूछने लगता है कि दादा, क्या हम इस डोगी को अपने पास रखने वाले हैं? तैन कहता है कि हाँ। डोडो पूछता है कि क्या डोडो इस डोगी के साथ खेल सकता है? तैन कहता है कि जितना डोडो का मर्जी वो उतना इसके साथ खेल सकता है। चिता चिता बस हमें कहता है कि वो कोई डोगी नहीं है बल्कि तुम लोग डोगी हो। डोडो तब प्यार से चिता को डोगी कह के अपना कैंडी खिलाने लगता है, बेचारा चिता उसे फिर से डोगी कह दिया। तैन तब देखता है कि उसका मास्टर होंग बाहर जा रहे थे। तैन अपने मनी मन कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे पूरी बात अभी तक नहीं बताई, पिछली बार तो वो अपने शादी से भाग गए थे इसलिए हम दोनों का बात नहीं हो पाया था, पर आज मैं उनसे बात करके रहूंगा।
उसके बाद टेन मास्टर होंग के पीछे बाहर तक आते हुए मास्टर होंग को रोकते हुए पूछता है कि मास्टर अब क्या कह रहे हो। मास्टर होंग कहते हैं कि टेन मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे करना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो घर बैठ के सिर्फ अपना पति और बच्चों को संभालता फिरू। मैं लाइक ए फ्री बर्ड विथ लॉट्स ऑफ वर्क, यू नो। टेन मास्टर होंग के कंधों में हाथ रखते हुए कहता है कि क्या फ्री बर्ड। मास्टर आप सीधे से कह के उन्हें देते हो कि आप जलस रहे हो। क्या मैं अंकल फैन को कॉल करके यहाँ बुला लूं और आप दोनों का शादी करवा दूं? फिर देखता हूँ कि आप फ्री बर्ड होकर कितने दूर तक उड़ते हो। मास्टर होंग तब नाराज होकर कहते हैं कि टेन तुम्हें अपने मास्टर के साथ बात करने का बिल्कुल तमीज नहीं है। टेन कहता है कि मास्टर मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद टेन मास्टर होंग को बताने लगता है कि बाइजिन ने मुझसे कहा कि डोडो के अंदर एक और शक्तिशाली ताकत मौजूद है जो डोडो के अंदर की जादुई राक्षसी मनी के सील को बार बार तोड़ देता है। मास्टर क्या आपको इस बारे में पता नहीं था? मास्टर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मास्टर होंग कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि मेरा दामाद बाइजिन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं निकला। बाइजिन स्मार्ट है, उसने बिल्कुल सही नोटिस किया और मुझे भी इस बारे में बाद में समझ आया। उसके बाद टेन मास्टर होंग से पूछता है कि मास्टर मुंह की जादुई राक्षसी मनी मुंह के पास से डोडो के अंदर आया कैसे होगा? मास्टर होंग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब डोडो का पहली बार अपहरण हुआ था तब उन अपहरणकारियों के कारण डोडो किसी तरीके से मरने वाला था और मुंह ने अपनी आधी जादुई राक्षसी मनी डोडो को देकर डोडो का जान बचाया है और राक्षसी मनी डोडो के अंदर की स्पिरिट को डोडो के अंदर पकड़ रखा है, इसलिए डोडो सांस ले पा रहा है और डोडो जिंदा है। पर मुझे अब तक पता नहीं चला कि डोडो के अंदर कौन सा शक्तिशाली ताकत मौजूद है जो डोडो के अंदर की राक्षसी मनी के सील को बार बार तोड़ रहा है। पर जब तक डोडो खुद बड़ा होकर खुद ताकतवर नहीं बन जाता तब तक हमें डोडो के अंदर के सील को सील करते रहना होगा। टेन चौकर कहता है कि मास्टर अभी क्या कह रहे हो? मेरा डोडो मरने वाला था और मुझे इस बारे में नहीं पता और मुंह ने डोडो को मरने से बचाया है और मैं इतने दिनों से मुंह को इतना गालियां देते आ रहा हूँ और उसे इतना बुरा समझता आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं ही बुरा हूँ। उसके बाद मास्टर होंग कहने लगते हैं कि टेन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है। टेन तुम जो प्रेग्नेंट हुए थे इसमें तुम्हारा कोई गलती था नहीं। मेरे कहने का यह मतलब है कि टेन तुम्हारे अंदर ऐसा कोई खास बात है नहीं कि तुम आदमी होने के बाद भी किसी और से भी प्रेग्नेंट हो सको बाइजिन के अलावा, क्योंकि जिसके अंदर खास बात है वो है बाइजिन। बाइजिन के अंदर एक ऐसा शक्ति है जिससे बाइजिन अपनी सोल और स्पिरिट के टुकड़े को कंबाइन करके किसी के भी अंदर डाल सकता है और डालने का प्रोसेस तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। टेन सोचता है कि हाँ वो सब जो जिन ने उसे बताया था कि जिन और टेन के बीच हुआ था। खैर टेन तब सोचने लगता है कि इसका मतलब डोडो के अंदर स्पिरिट और सोल सिर्फ बाइजिन का है, तो क्या डोडो के अंदर टेन का कुछ भी नहीं है? डोडो क्या अकेला बाइजिन का बेटा है? तब मास्टर होंग टेन के सर में मारते हुए कहते हैं कि टेन मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो ज्यादा मत सोचो। डोडो तुम्हारा भी बेटा है जितना बाइजिन का है, क्योंकि डोडो को तुमने जन्म दिया है और डोडो का हरकतें देखा है बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एंड टेन लाइक हाँ बात तो सही है। तब टेन को याद आता है कि टेन और बाइजिन ने दोबारा वो सब किया था, इसका मतलब टेन कहीं फिर से माँ मतलब पाप ना बन जाए। टेन तब अपने मास्टर होंग को ये बात बताते हुए पूछने लगता है कि क्या टेन और बाइजिन डोडो के एक और भाई या फिर बहन के लिए ट्राई कर सकते हैं? मास्टर होंग कहते हैं कि मुझे क्या पता, ये तुम दोनों के बीच का बात है, जो भी करना सोच समझ कर करना। फिर टेन मास्टर होंग से कहने लगता है कि मास्टर होंग ने टेन को बचपन में बताया था कि टेन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और मास्टर होंग ने टेन को कहीं से उठाकर लेकर आकर उन्होंने टेन को पाला है, तो टेन को क्यों कुछ याद नहीं है? क्या मास्टर होंग टेन को टेन के बचपन के बारे में बता सकते हैं? पर मास्टर होंग टेन की इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। मास्टर होंग तब किसी बंदे को देख लेते हैं जो छुप कर टेन और मास्टर होंग की बातें सुन रहा था और उस बंदे ने जैसा ड्रेस पहनकर रखा था वो देखकर मास्टर होंग मनी मन सोचने लगते हैं कि मेरे सीनियर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। फिर मास्टर होंग उस बंदे के पीछे जाने लगते हैं। टेन पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि मास्टर मेरा बात खत्म नहीं हुआ, अब भागकर
कहा जा रहे हो। तब हम बाजिन को देखते हैं जो घर के अंदर से छुपकर टेन और मास्टर होम की बातों को सुन रहा था। अगले सीन में हम जूनियर चैन को मुंह के पास बैठकर मुंह का उठने का इंतजार करते हुए देखते हैं। जूनियर चैन मुंह से कह रहा था कि लियू ने जूनियर चैन को सारी सच्चाई बता दिया है कि मुंह के किसी भी चीज में कोई गलती था नहीं, और इतने दिनों से जो सीनियर टेन और डोडो के ऊपर हमला करवाता हुआ आ रहा था वो लियू था। जूनियर चैन ने मुंह को जितना बुरा समझा, मुंह उतना बुरा है नहीं, बल्कि मुंह ने तो डोडो को बचाने के लिए खुद ही कमजोर पड़ चुका है। और जूनियर चैन ने खामखा ही मुंह को गलत समझता हुआ आ रहा है। उसी वक्त मुंह होश में आता है और जूनियर चैन से कहता है कि मुंह बहुत ही खुश है। आखिरकार जूनियर चैन को पता चल गया कि मुंह बुरा नहीं है। जूनियर चैन पूछता है कि मुंह तुमने ये सारी बातें मुझसे खुद क्यों नहीं कहा। मुंह कहता है कि मुंह चाहता था कि जूनियर चैन को इस बारे में खुद से पता चले। अगर मुंह जूनियर चैन को पता था तो क्या जूनियर चैन मुंह के बातों के ऊपर ऐसे ही विश्वास कर लेता। जूनियर चैन कहता है कि अच्छा ठीक है, अब से जूनियर चैन के मन में मुंह हमेशा ही एक अच्छा बंदा रहेगा। फिर जूनियर चैन मुंह के लिए दवाई लाने के लिए जाने लगता है तो मुंह जूनियर चैन का हाथ पकड़ के अपने और खींच कर जूनियर चैन को किस करते हुए कहता है कि जूनियर चैन का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और जूनियर चैन सिर्फ मुंह का है। जूनियर चैन तब शर्मा कर भाग जाता है। मुंह अपने मन ही मन कहता है कि मुंह बहुत ही स्वार्थी है, पर मुंह मरने से पहले एक बार जूनियर चैन को अपना कहना चाहता था, क्योंकि मुंह को खुद भी नहीं पता कि वो कब तक खुद को सही रख पाएगा। खैर हम जूनियर चैन को देखते हैं जो कमरे के बाहर आकर मनीमन सोचने लगता है कि मुंह हमेशा ही जूनियर चैन से कहता हुआ आ रहा है कि मुंह जूनियर चैन को पसंद करता है, और अब तो जूनियर चैन को भी लगने लगा है कि मुंह सच में जूनियर चैन को पसंद करता है। तो क्या उन दोनों को डेटिंग करना शुरू कर देना चाहिए? पर इससे पहले जूनियर चैन एक बार अपने सीनियर टेन का एडवाइस ले। उसके बाद जूनियर चैन जल्दबाजी में सीनियर टेन मतलब टेन के कमरे के अंदर चला जाता है, और जहाँ जाकर वो देखता है कि टेन और बाजिन तो किस कर रहे थे। जूनियर चैन अपना मुंह तुरंत दूसरी ओर करते हुए कहता है कि सीनियर टेन मुझे माफ कर दो, मैं तो बस आपसे कुछ पूछना चाहता था, इसीलिए बिना सोचे समझे आपके कमरे के अंदर चला आया। टेन कहता है कि हाँ हाँ पूछो ना। जूनियर चैन कहता है कि इतना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद जूनियर चैन टेन के कमरे के अंदर से बाहर चला जाता है। टेन कहता है कि जूनियर चैन जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद करते हुए जाना। उसके बाद टेन बाईजिन से बहुत ही रोमांटिक वे से कहता है कि तो फिर कहो क्या हम फिर से हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करें। बाईजिन कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, कहानी को ठीक से कहने में बहुत मेहनत लगता है, तो फिर लाइक कर दो, साथ में कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। टिल देन स्टे विद मी एंड सी यू।